हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। DJI का ड्रोन है मेविक एयर 2, जिसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मिनी ड्रोन है, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं इसको उड़ा के भी आपको दिखाने वाला हूं। और कितने किलोमीटर तक इसकी हाईएस्ट रेंज रहने वाली है, वीडियो क्वालिटी क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप वो दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रोन दिखा देता हूं कि इस ड्रोन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है हमें। ये छोटा सा बैग आता है, उसी के साथ में ही आने वाला है। तो वैसे मैंने पहले से इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, तो अनबॉक्सिंग तो क्लियरली नहीं दिखा रहा हूं, बट ड्रोन है वो आपको पूरा दिखा देता हूं। तो इस तरीके से आपको ये ड्रोन है वो मिलने वाला है, ठीक है। इस ड्रोन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, 3 बैटरियां मिलेगी इसके साथ में, कॉम्बो बैटरी आएगी एक, इसके साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल है वो आने वाला है, जिसके अंदर आपको एक तो सिनेटिक मोड, एक नॉर्मल मोड, एक स्पोर्ट मोड है वो मिल जाता है। स्पोर्ट मोड के अंदर बैटरी है वो ज्यादा खाने वाला है ड्रोन, नॉर्मल के अंदर ज्यादा नहीं, नॉर्मल बैटरी खाएगा। और जबकि सिनेटिक मोड में आप चलाओगे तो बैटरी काफी है वो ज्यादा चलने वाली है। और ड्रोन की स्पीड भी है वो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल के अंदर तो नॉर्मल रहती है, सिनेटिक मोड में उससे भी धीरे चलने वाला है, स्पोर्ट मोड के अंदर काफी फास्ट है वो चलने वाला है। और ये ड्रोन का जो स्टिक है वो आप लेफ्ट राइट ड्रोन को कर सकते हो, इसके पीछे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ से निकाल के ड्रोन के रिमोट पर यहाँ पे सिंपली इसको क्या करना है, ऐसे एक स्क्रू की तरह इसको है वो सेट करना है, ठीक है, इस तरीके से, और फिर आप अपना उड़ा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है मोबाइल, मोबाइल और एंटीना का दोनों का काम है ये करता है। तो यहाँ पे अपने मोबाइल लगाएंगे और मोबाइल को जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाती है, ये रही। इसको सिंपली इसकी जो ऐप है वो डाउनलोड करके यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। तो वैसे मैं यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके ड्रोन को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ, बट ड्रोन को उड़ा के दिखाने वाला हूँ। अगर आप खरीदने के इच्छुक हो तो आपको पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको कहाँ से खरीदना है सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जैसे फोटो क्लिक करना है या वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे कैमरे को मूव करने के लिए होता है कि कैमरे को ऊपर करना या नीचे करना है, ये सारा सिस्टम है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसको यहाँ पे ऑन करने का सिस्टम है, एक बार दबा के फिर कुछ 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए फिर प्रेस करना होता है और ड्रोन है वो आपका उड़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये होम है, जैसे ड्रोन को आपको नीचे लाना है तो आप होम दबा दोगे तो जहाँ से ड्रोन उड़ा था वहीं पे वापस है वो आ जाएगा। तो अब ड्रोन की आप देख लो किस तरीके का ड्रोन है, क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्रोन का है वो कैमरा मिल जाता है, ये 4K के अंदर कैमरा है और ड्रोन की लगभग 5 से 7 किलोमीटर है वो रेंज होने वाली है। इस ड्रोन के अंदर आपको सेंसर मिल जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे एक सेंसर यहाँ पे है, एक सेंसर यहाँ पे है और 2 सेंसर यहाँ पे है, पीछे भी यहाँ पे आपको सेंसर है वो मिल जाते हैं। ये एक लाइट है, जैसे अंधेरे के अंदर कहीं भी आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है तो ये ऑटोमेटिक इन सेंसर से अंधेरा वो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ये फ्लैश है वो ऑन हो जाती है, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग है वो नीचे की काफी है वो क्लियर आने वाली है। इस ड्रोन के अंदर आपको 2 सेंसर यहाँ मिल जाते हैं, 2 सेंसर यहाँ मिल जाते हैं और 2 सेंसर है वो पीछे मिल जाते हैं। और इस ड्रोन के अंदर एक खासियत बात यह है कि यहाँ पे आपको फ्लैश मिल जाती है, जैसे अंधेरे के अंदर आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये फ्लैश है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है इस सेंसर को डिटेक्ट करके कि कहाँ अंधेरा, जिससे कैमरे को अच्छा है वो रिकॉर्डिंग मोमेंट है वो मिल सके, ठीक है। और जैसे अपने दीवार में कहीं भी कैमरे का क्रैश होने का डर रहता है तो ये जो सेंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 आगे सेंसर दिखाई दे रहे हैं, ये सेंसर क्या करते हैं, आगे की जो भी दीवार होती है, पेड़ होती है या जो वायर वगैरह जो भी, उनको डिटेक्ट करके कैमरे को अपने आप जो मूवमेंट है वो दे देता है आगे पीछे होने के लिए, तो क्रैश होने का भी डर है वो नहीं रहता। अब इस कैमरे को सिंपली ऑन किस तरीके से करना है, जैसे देखो 2 पंखुड़ियां इस तरीके से आगे लेनी है आपको, तो ये मैंने आगे ले ली, तो ये आगे वाला हिस्सा हो गया। पीछे वाला जो हिस्सा है वो धीरे से हल्का सा ऐसे देखो पीछे से लेके ऑन होता है, ठीक है, सेम यही पीछे वाला है, सेम देखो ऐसे हल्का सा मूवमेंट करना है और इस तरीके से ड्रोन है वो ऑन हो जाता है। तो ड्रोन को आप अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ इस ड्रोन की क्या क्या खासियत रहने वाली है और आपको उड़ा के भी वो चेक कराने वाला हूँ। यहाँ पे ड्रोन की बैटरी डलती है ऊपर हिस्से के अंदर और इसके अंदर कार्ड है वो भी डलने वाला है। इस ड्रोन के अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि आप अगर मैन्युअली इस ड्रोन को यहाँ से चार्ज करना चाहो तो यहाँ टाइप सी से इसको वो बैटरी चार्ज कर सकते हो बिना चार्जर के लगाए हुए, ठीक है। और उसके बाद में आपको कार्ड का ऑप्शन रिमोट के अंदर नहीं मिलता है, कैमरे के अंदर ही यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग है वो फोन से स्टार्ट कर सकते हो, फोन के अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और यहाँ कार्ड से भी रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हो। अब इस ड्रोन को हम लोग वो उड़ाने वाले हैं, उड़ाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वहाँ सिटी है और सिटी के अंदर उड़ाना वो अलाउड नहीं है। हम लोग खुले मैदान में जाके आप लोगों को टेस्ट कराने वाले हैं कि इस ड्रोन की रियल में क्या रेंज है और कैसी क्वालिटी है, वो भी वीडियो में डालने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये ड्रोन है वो मैंने भाई नहीं किया है, ये ड्रोन है महेंद्र भाई का जो विजय रामसरे का है, तो इनसे मैंने ड्रोन है वो लिया है वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग जो भी ड्रोन खरीदने की इच्छुक हो या ड्रोन खरीदने की आप अभी सोच रहे हो तो इस ड्रोन का क्या रिव्यू है, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से इसकी जो रेंज वगैरह रहने वाली है। तो महेंद्र भाई से हम थोड़ी बहुत वो इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये ड्रोन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, जो यूजुअल है। तो महेंद्र भाई आप बताइए कि इस ड्रोन की क्या खासियत है। छोटा ड्रोन है, बढ़िया ड्रोन है और रिजल्ट भी बहुत शानदार है।
बाकी हम लोग इसको उड़ा के भी आप लोगों को टेस्ट कराने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। अब हम लोग क्या यहाँ से थोड़े बाहर मैदान में जाने वाले और वहाँ पे हम लोग उड़ा के वीडियो को टेस्ट करने वाले हैं कि इस ड्रोन की क्या क्वालिटी आने वाली है, वो भी वीडियो के अंदर मैं वीडियो डाले वाला हूँ ड्रोन का रिव्यू क्या है। तो चलिए चलते हैं हम लोग बाइक लेके थोड़ा सा बाहर जो कॉलोनी है वहाँ पे जाके उड़ा के चेक करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। इस तरीके से आपको अपने स्टैंड के ऊपर है वो फोन को लगाना है, ठीक है। जैसे आप फोन को लगा लोगे बढ़िया सा फोन है वो अच्छे तरीके से, इसमें देखो टाइट हो जाता है, हिलता डुलता भी नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से यूज हो जाता है, टाइट हो जाता है। अब जैसे आप इसके अंदर पोर्ट है वो लगाओगे, जैसे लगाओगे तो वो ऐप है वो वैसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से मैन्युअली इसकी जो ऐप है उसको ऑन करने वाले हैं। तो अब इस तरीके से मैंने ड्रोन को दबाया और ये कुछ देर के लिए दबा के रखा, तो ये ड्रोन है वो स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हो। इस तरीके से आपको सेम टू सेम यहाँ पे रिमोट के अंदर ये बटन एक बार प्रेस करना है, फिर दबा के रखना है, और यहाँ पे रिमोट भी है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ड्रोन की कुछ गाइडलाइन आ गई है, यहाँ पे जो अपना ड्रोन है उस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू है वो कर देना है। तो यहाँ पे इसमें देखो ये बता रहा है कि ड्रोन इस तरीके से आपको ऑन करना है, और ये सारी गाइडलाइनें बता रहा है, और ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो एक मिनट लगेगा लगभग, एक मिनट के बाद में ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो हम लोग यहाँ पे आए हैं इतनी दूर कॉलोनी के अंदर, तो काफ़ी अंधेरा भी है वो पड़ चुका है ये देखिए। तो जैसे अभी जैसे दिन में जो क्वालिटी आने वाली है वो तो नहीं आ पाएगी, बट आपको जो है वो आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके की क्वालिटी इस ड्रोन के अंदर वो मिलने वाली है। तो ड्रोन पे थोड़ी देर में फ्लाई करने वाले हैं। अब इस ड्रोन को हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर आप देख पा रहे हो ड्रोन को, इतना अंधेरा है आपको दिखाई नहीं देगा ड्रोन, तो इस ड्रोन को देखते हैं कितना ऊपर जाने वाला है। ये देखिए आप लोग देख लो कि काफी ऊपर है वो चला गया है, और यहाँ पे मैं इस कैमरे को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये देखिए आप देख पा रहे हो कि हम लोग यहाँ पे दो जने खड़े हैं, ये देखिए तो अब आप देख पा रहे हो ऊपर आसमान में भी आपको ड्रोन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, काफी दूरी तक है वो चला गया है। इसके अंदर वैसे आपको डिस्टेंस भी बता रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर दूरी बता रहा है कितनी दूर चला गया है, यहाँ पे सारी की सारी चीजें वो बता रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे होम जो बटन है वो प्रेस करूंगा तो ड्रोन जहाँ से उड़ा था वहीं पे वो वापस आ जाएगा, तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो ये देखिए मैं जो फ्लेश की बात कर रहा था ना वो ड्रोन के, यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रोन ऊपर नीचे फ्लेश है वो जल रही है, मैं थोड़ा सा ड्रोन को भी आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए। और यहाँ की जो ये नीचे वाली रिकॉर्डिंग है वो देखो यहाँ पे फ्लेश है वो हो रही है, आप देख रहे हो। जैसे ड्रोन को ऊपर लूंगा तो भी देखो ये लाइट है वो नीचे जल रही है, ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, देखो ये लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही होगी नीचे फर्श के। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, ये देखिए ये लाइट जल रही है ना, इससे क्या होता है नीचे का जो फर्श की जो क्वालिटी रिकॉर्डिंग है वो आपको शानदार मिलने वाली है। और कैमरे का जो स्टेबल है वो आप देखो कितना शानदार है, कैमरा जहाँ जिस पोजीशन पे रहने वाला है उसी पोजीशन पे है, देखो नहीं तो हिल रहा है नहीं ढुल रहा है, आप देख पा रहे हो। देखो मैं यहाँ पे इसको स्टेबल छोड़ देता हूँ तो देखो जहाँ है वहीं का वहीं प्रॉपरली उड़ रहा है। थोड़ा सा मैं पास में ला के दिखा देता हूँ आपको ताकि आप ज्यादा समझ पाओ इस चीज को। यहाँ पे देखिए ये देखो कैमरा जहाँ जिस पोजीशन में खड़ा है उसी पोजीशन के अंदर है वो, एक ही जगह पे उड़ रहा है, नहीं कि आगे पीछे हो रहा है। तो बहुत ही शानदार स्टेबिलिटी है इस कैमरे की। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको नॉलेज मिला होगा। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।